फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टाइलिश टीवी पर। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस मिलती रहे और आप एंटरटेन होते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 आपने देखा था, उस पर उस वीडियो पर हमें अच्छा रिस्पॉन्स आया था, इसलिए हमने एपिसोड 2 भी जल्दी से जल्दी बना लिया। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला फैक्ट तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हो और यूट्यूब पर हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि आप इस वीडियो को देखकर एंटरटेन हुए और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो और एंटरटेनिंग वीडियोस देखकर एंटरटेन हो। वैसे ये कोई फैक्ट नहीं था। तो फ्रेंड्स, चलिए फैक्ट आपको मैं बताना चालू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला फैक्ट है, आप कभी भी अपनी आँख खोलकर छींक नहीं सकते। कैसा लगा फैक्ट? अच्छा लगा ना? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर बताइए पहला फैक्ट कितना शानदार था। फैक्ट को देखते हुए मेरे को एक फैक्ट और याद आ गया, आपका मुंह खोलकर कभी भी सांस नहीं ले सकते। फ्रेंड्स, इसके बाद मुझे एक फैक्ट और याद आया कि जो लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे उसमें से 90% लोग ये मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश कर रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे ये फैक्ट गलत है। फ्रेंड्स, ये कोई फैक्ट नहीं था। अब हम देखते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। चलिए, क्या आपको पता है जेम्स फिक्स नाम का एक आदमी था जो कि अमेरिका में रहता था। उसने अमेरिका में जॉगिंग को बहुत प्रचार, मतलब लोगों को उसके फायदे बताए थे कि जॉगिंग करने से हमें ये फायदे होते हैं, हम तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन फिर आपको क्या पता है, ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। जो जेम्स फिक्स थे, उनके खुद जब वो जॉगिंग कर रहे थे तो दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी जॉगिंग करते हुए। वो कहते हैं ना कि जो जिस प्रोफेशन का में माहिर होता है वो उसी प्रोफेशन में उसकी डेथ होती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा फैक्ट लगा। तो देखते हैं तीसरे फैक्ट की तरफ। आप लोगों ने फल फ्रूट तो खाए होंगे, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि आप जो फल फ्रूट खाते हैं उसमें से कोई भी फल ब्लू कलर का नहीं होता। आप कोई सा भी फल खाते हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, सभी लाल, पीले, हरे, नीले, ऐसे कलर के होते हैं, लेकिन कोई सा भी फ्रूट एग्जैक्ट ब्लू कलर का नहीं होता। अब आप बोलेंगे कि ब्लू कलर का फ्रूट होता है जैसे कि ब्लूबेरी, लेकिन ब्लूबेरी भी कोई ब्लू कलर का नहीं होता, ब्लूबेरी होता है बैंगनी कलर का। लेकिन आप ये फैक्ट बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। दुनिया में फ्रेंड्स ऐसा कोई भी फल नहीं है जो कि ब्लू कलर का, एग्जैक्ट ब्लू कलर का हो। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फोर्थ फैक्ट की तरफ। क्या आपने कभी मुर्गे को उड़ते हुए देखा है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको मुर्गे उड़ते हुए देखेंगे। फ्रेंड्स, नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने कभी मुर्गे को उड़ते हुए नहीं देखा, मतलब मुर्गे उड़ते तो नहीं है वैसे, लेकिन उनकी आज तक की हमारा फैक्ट यही है कि जो ऐसा कोई दुनिया में एक ही ऐसा मुर्गा है जिसकी, मतलब अभी तक के उस वो सिर्फ सबसे ज़्यादा उड़ पाया है 13 सेकेंड के लिए। और कई मुर्गे तो बस पंख उड़ा के ऐसे ही छलांग मार देते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते। फिर एक मुर्गा उड़ पाया लेकिन वो भी सिर्फ 13 सेकेंड के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रिकॉर्ड की हुई टाइमिंग 13 सेकेंड। ये देखते हैं फिफ्थ और लास्ट फैक्ट की तरफ। क्या आपको पता है जो सिगरेट लाइटर है और माचिस है, मतलब माचिस तो हम बहुत बचपन से अभी तक के देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन सिगरेट लाइटर हमारे यहाँ पर अभी अभी दिखने लगे हैं। लेकिन फिर आपको मैं बता दूं कि हमारा लास्ट एंड आखिरी फैक्ट यही है कि जो सिगरेट लाइटर है उनकी खोज माचिस से पहले हो चुकी थी और वो बनना चालू भी हो गए थे सिगरेट लाइटर। ये बात अलग है कि हमारे इंडिया में बाद में आए, लेकिन उनकी खोज माचिस से पहले हो गई थी। हम आपको इसी तरह एंटरटेन करते रहेंगे। हमारा एपिसोड 2 खत्म हो चुका है, अब एपिसोड 3 आने वाला है 5 या 4 वीडियो के बाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है तो आप बेल आइकन जरूर दबाएं, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारी नई वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए अब ये वीडियो भी देख लो, ये वीडियो इधर सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो देख लो, देखते रहा करो हमारी वीडियो, आपको अच्छा लगेगा, एंटरटेन होते रहोगे।